तो पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल है और राजस्थान में किस तरह से इस हड़ताल का असर देखने को मिलेगा, राजस्थान की अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोमू आनंद हमारे साथ हैं जयपुर से, इसके अलावा ललितेश कुशवाहा जो है भरतपुर से जुड़े हैं और कुलदीप गोयल जो है वो हमारे साथ श्रीगंगानगर से हैं। सबसे पहले मैं जयपुर रुक करना चाहूंगी सोमू आनंद का। सोमू हमें बताइए कि जयपुर में किस तरह से असर वहां पर दिख रहा है इस हड़ताल का और मांगे क्या है इनकी, क्योंकि पहले भी इस तरह की हड़ताल हो चुकी है, तो फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है वहां से? जी देखिए, हड़ताल की एक ही वजह है कि जो वैट की दरें हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो काफ़ी नुकसान में हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है इस जयपुर शहर का, और लेकिन यहाँ आज पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं हो रही है और इसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। हम जब अभी यहाँ लाइव के लिए रुके थे तभी एक यहाँ पर एक टैक्सी संचालक आए, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप ये बताइए कि अभी जो आपने पेट्रोल के लिए मांगने की कोशिश की तो क्या बताया गया आपको? ये बोल रहे जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है ना वो बंद है और जो सरकारी है वो चालू है। क्या परेशानी हो रही है इस वजह से आपको? परेशानी हो रही है, हमारे टैक्सी में चलाते हैं गाड़ी, अब पेट्रोल डीजल के बिना हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? डीजल है आपकी गाड़ी? डीजल की पेट्रोल दोनों है। कितनी दूर से आ रहे हैं आप, अभी कहाँ जाना है आपको? पेट्रोल है अभी, जा पाएंगे आप जहाँ तक जाना है आपको? नहीं जा पाएंगे। क्या कोशिश करेंगे? कोशिश तो साइड में लगाएंगे इसको, यहीं और क्या करेंगे। तो देखिए सुनीता, ये स्थिति है यहाँ पर कि जो हड़ताल है पेट्रोल पंप संचालकों की, उसकी वजह से जो लोग हैं और जो टैक्सी संचालक हैं उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी कुलदीप ही हमारे साथ हैं, कुलदीप से मैं जानना चाहूंगी कि श्रीगंगानगर में किस तरह के हालात हैं और जैसे कि सोमानंद ने हमें बताया कि लोगों को इस तरह की परेशानियां हो रही हैं और मांगे उनका साफ तौर पर कहना है कि वेट को कम किया जाए, लेकिन अगर हम देखें तो सरकार का इस पर क्या रुख है, क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या कुछ देखने को मिला है? कुलदीप आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए सुनीता, जो राजस्थान पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उसके आह्वान पर दो दिनों के लिए पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर तो चले गए हैं, लेकिन जो प्रदेश के बाकी हिस्से हैं उसकी अगर तुलना करें तो श्री गंगानगर के अंदर हालात खराब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि श्री गंगानगर जिले से 6 या 7 किलोमीटर दूर पंजाब शुरू हो जाता है और राजस्थान के मुकाबले पंजाब के अंदर 15 रुपए प्रति लीटर जो डीजल और पेट्रोल है वो मिलता है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो ज्यादातर जो लोग हैं वो पहले से ही पंजाब से पेट्रोल और डीजल वहां से भरवा कर लाते हैं, तो ऐसे में अगर पेट्रोल पंप संचालक अगर हड़ताल पर है तो इस चीज का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो 100 रुपए या 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं रोजमर्रा के लोग हैं उनको इस चीज से दिक्कत हो सकती है। श्री गंगानगर के जो लोग हैं वो पहले से ही दोहरी मार है पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर वो झेल रहे हैं, क्योंकि अगर दामों की बात करें तो आज श्री गंगानगर के अंदर पेट्रोल का जो भाव है वो एक पंजाब के अंदर यही भाव श्री गंगानगर के अलावा प्रदेश का जो दूसरा हिस्सा जयपुर है वहां पर जो पेट्रोल के भाव है वो 108 रुपए 50 पैसे के करीब है। यानी कि श्री गंगानगर जिले के जो लोग हैं वो 6 या 7 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं तो उन्हें पंजाब में 15 रुपए लीटर सस्ता तेल मिलता है और जयपुर के मुकाबले एक ही प्रदेश में रहने के चलते भी उन्हें 5 रुपए लीटर महंगा तेल है वो मिल रहा है। ऐसे में जो सबसे एक अहम बात ये भी सामने आती है कि जो श्री गंगानगर के साथ पंजाब सीमा लगती है वहां पर पंजाब सीमा के अंदर करीब 2 दर्जन पेट्रोल पंप हैं वो स्थापित हैं और ऐसे में जो 9 लाख लीटर जो पेट्रोल और डीजल की बिक्री पंजाब सीमा के पेट्रोल पंप के अंदर होती है उसमें से 7 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल है वो राजस्थान की सीमा में आता है और वो बड़ी मात्रा के अंदर तस्करी होता है और ये जो पेट्रोल और डीजल है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर तक जाता है। तो पेट्रोल पंप संचालकों का यही कहना है कि यदि जो भाव है वो पूरे प्रदेश में एक समान हो जाए और पंजाब के समान हो जाए तो कम से कम जो यहाँ के पेट्रोल पंप संचालकों का जो कारोबार ठप हो रहा है वो उससे वो बच जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक पेट्रोल पंप जो स्टाफ है उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब हड़ताल है, बहुत लंबे समय से आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें यही आती है भाई साहब, हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसमें कम से कम 10 रुपए पेट्रोल डीजल पे ज्यादा मतलब महंगा है, इसलिए डीजल की तो बात ही खत्म है जहाँ पे, क्योंकि जो अपने पंजाब से तस्करी हो रही है उस तस्करी को भी बंद किया जाए और जिससे
हमारे पेट्रोल और डीजल में अच्छा कमीशन वगैरह जो भी बनता है ठीक है और अच्छी तरीके से जो काम। तो तस्करी रोकने के लिए आप लोग कभी प्रशासन से शिकायतें नहीं करते? हाँ करते हैं सब। हाँ। करते हैं इसीलिए 48 घंटे के समथिंग जो हमारे अब भी हड़ताल की हुई है उसमें हाँ। पड़ता है हमारे साथ में जो 5-6 किलोमीटर दूरी पर है और जो डेली का मतलब वहां से तस्करी हो रही है। बहुत बार सुनने में ये भी आता है कि पंजाब से यहाँ के लोग है 15 रुपए लीटर तेल सस्ता ले आते हैं और यहाँ पर वो पंजाब से 5 रुपए का मार्जिन कमाकर वो इलीगल रूप से बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेच रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं शहर में जो मतलब अवैध तरीके से जो डीजल और पेट्रोल बेचते हैं जहाँ पे। देखिए सुनीता इनका कहना है कि पंजाब राज्य साथ होने के कारण वहां पर जो डीजल की बिक्री है वो ज्यादातर लोग राजस्थान के लाते हैं और जो पंजाब सीमा के नजदीक जो राजस्थान के पेट्रोल पंप है यहां पर तो डीजल की बिक्री ही नहीं होती है। तो ऐसे में जो इनका आंदोलन है वो लगातार कई सालों से चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब पीएम मोदी यहां पर कैंपेनिंग करने के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा की जाएगी लेकिन जो राजस्थान का बजट है और केंद्रीय बजट है वो निकल जाने के बाद अब एक बार फिर से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अब देखना होगा कि इस हड़ताल का क्या असर निकलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी कुलदीप। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ललितेश भी हैं। ललितेश आपसे मैं जानना चाहूंगी कि भरतपुर में किस तरह के हालात हैं क्योंकि जब कुछ समय के लिए पेट्रोल पंप संचालक या ये बंद रहते हैं हड़ताल होती है तो लोगों को आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप स्कूटी यूज करते हैं लोग बाइक यूज करते हैं और जब आपको समय पर कहीं पहुंचना हो आपके पास पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए कहीं पर कोई उचित वहां पर पेट्रोल पंप बंद है और कोई जरिया नहीं है आपके पास तो इस तरह की परेशानी और 2 दिन तक ये हड़ताल रहने वाली है तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई बीच का रास्ता इसमें निकाला जाएगा क्या कोई बातचीत होगी और वहां पर किस तरह के हालात हैं इस पर भी हमें जानकारी दें। बिल्कुल सुनीता देखिए जिस तरह से राजस्थान में राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो भरतपुर में भी असर देखा जा रहा है। भरतपुर में मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और ये पेट्रोल पंप बड़ा व्यस्त है यहां आए दिन बड़ी भीड़ रहती थी आप देख रहे हैं अब ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ सुबह से ही भीड़ जुड़ जाती थी लेकिन अब आप देख रहे हैं कोई भी पेट्रोल भरवाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि आज राजस्थान में हड़ताल है और उन लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए सुनीता ये रस्सी भी इन लोगों ने बांध रखी है कि कोई पेट्रोल भरवाने के लिए अंदर नहीं आए। बड़ी संख्या में देखिए जो वाहन चालक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पहुंचे लेकिन पेट्रोल जो पंप संचालक है उनकी तरफ से मना कर दिया गया है। देखिए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है और आपको पता नहीं था कि आज हड़ताल है? नहीं पता था। मेरा नाम कौशल है मुझे नहीं पता था। परेशानी आ रही होगी आपको? बहुत परेशानी है टंकी खाली पड़ी हुई है पेट्रोल पंप की। देखिए बिल्कुल ये इनको पता नहीं था और ये स्टूडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो बाइक है उसकी उसमें पेट्रोल नहीं है इनको काफी परेशानी आ रही है और भी लोग हैं उनसे बात कर रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी क्या आपको पता नहीं था आज हड़ताल है? नहीं नहीं मुझको नहीं पता मुझे तो डिग जाना इसलिए पेट्रोल। रोजमर्रा के कामों तो दिक्कत आ रही होगी जैसे आप जा रहे हैं तो पेट्रोल नहीं है आपके पैदल ही जाना पड़ेगा और क्या होगा बस से जाना पड़ेगा। कहाँ से आया? भरतपुर से। जी बिल्कुल सुनीता देखिए ये भरतपुर के इनको दूसरे शहर जाना था लेकिन बाइक में पेट्रोल नहीं है तो बड़ी परेशानी हो रही है तो सरकार को ये बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरह से ये वैट को कम करने के लिए और डीलर की जो कमीशन है उसे बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं तो सरकार को भी सोचना चाहिए और जिस इस सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए जिससे जो ये आमजन है या वाहन चालक है जो परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो। जी सुनीता। जी जी ललितेश। हमारे साथ संजय व्यास हमारे संवाददाता भी उदयपुर से जुड़ गए हैं। उदयपुर में किस तरह के हालात हैं संजय अगर आप हमें बताएं और वहां पर किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है लोगों को क्योंकि 2 दिन तक हड़ताल चलने वाली है किस तरह का असर है फिलहाल अगर देखें तो वहां पर? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप पे इक्का दुक्का लोग बाग आ रहे हैं लेकिन पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। कई लोगों को परेशानी हो रही है कई लोग जो सुबह अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं और उनके पास पेट्रोल नहीं होने के कारण वो वहां पर आकर यहीं चले जा रहे हैं तो इसके कारण दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। कल रात को जैसे हमने देखा था कि सभी पेट्रोल पंप पर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी
और कई लोग उनसे निराश होकर गए, पेट्रोल पंप पेट्रोल खत्म हो चुका है। जी जी संजय, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पर तमाम जानकारियां हमें जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर से देने के लिए। तो ये संचालकों की हड़ताल है, और अब इस हड़ताल के बाद सरकार का क्या रुख रहता है, किस तरह की अपडेट इसमें आती है, इस पर हमें हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे।